गुड मॉर्निंग राधे राधे, कैसे कृष्णा, कैसे हो आप सब। उसे कल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और बच्चे तीनों चले गए हैं स्कूल, और मतलब एग्जाम है, वो लोग के एग्जाम हो चुके हैं। और अक्षित और दुर्दर के अभी चल रहे हैं। गुड मॉर्निंग राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सब। उसे तरफ लोग आप सभी का स्वागत है। और यहाँ रखिए मैंने चाय बनाने के लिए थोड़ी सी, बच्चे तीनों स्कूल जा चुके हैं, चाय करती है बनाने के लिए। सभी काम से फ्री हो गई, सिर्फ पोछा रह गया लगाने के लिए। पोछा लगाने के बाद में मैं जाऊंगी मंदिर दर्शन करने के लिए। अभी पति देव अभी गए नहीं, जब पति देव चले जाएंगे ना, और फिर जब जाऊंगी, क्योंकि मैं ऐसे जाऊंगी ना तो फिर इनका खाना वगैरह भी मुझे देना पड़ेगा, इस वजह से। तो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि पति देव ऑफिस निकल जाते हैं फिर मैं मंदिर के लिए निकल जाती हूँ बच्चों को छोड़ करके। आज पति देव हुए हैं लेट, मतलब लेट के आज गई नहीं, आज उन्हें थोड़ा लेट जाना है इसलिए। मैंने रखी चाय बनाने के लिए थोड़ी सी, क्योंकि मम्मी जाएंगी आज मेरी दवाई लेने के लिए। बैठ जाती हूँ पहले मैं एक जगह, उनसे ठीक नहीं हो रही, दर्द हो रहा है। मम्मी जाएंगे मेरी दवाई लेने के लिए, तो और आज ही जाएंगे दवाई लेने के लिए आगरा। तो मैंने थोड़ी सी रख दी चाय बनाने के लिए, क्योंकि फिर पूरे दिन मम्मी को सुस्ती नींद सी आती है। तो आधा कप चाय दूंगी, ज़्यादा तो नहीं दूंगी, आधा कप चाय दूंगी मम्मी को। उसके बाद मैं खाना वगैरह खाने के बाद मैं ना दवाई लेकर के जाएंगी। बोल रही थी नहीं आकर के ले लूँगी, अब आने में तो उन्हें वही दोपहर बाद आना होता है ऑफिस। दो बार से तो वो शाम को ही आना हो रहा है उनका, 4:30-5 बजे तक आती हैं। तो मैंने फिर दवाई है ना लेके नहीं जा पाएंगी, तो इसलिए मैंने चाय बना दी हल्की सी। अब आधा कप चाय दूंगी, जिससे कि दो रोटी खा लेंगी सब्जी के साथ में। आज चाप की सब्जी बनाई है और चाय के साथ में खा लेंगी, और फिर दवाई वगैरह ले लेंगी दूर से, फिर दवाई लेके मतलब दवाई लेके चली जाएंगी। तो चलिए मैं ना पहले मम्मी को चाय वगैरह दे देती हूँ, फिर आराम से आप सभी से बातें करती हूँ मैं। और मंदिर जाऊँगी तो आप सभी को भी दर्शन कराऊँगी, जैसे कि मैं डेली कराती हूँ आप सभी को दर्शन। Thank you.
मॉर्निंग राधे राधे, जैसे कृष्णा, कैसे हो आप सब। उच्चतर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और दोपहर का टाइम हो रहा था, मतलब मैंने काम से फ्री भी हो गई थी, बच्चों को स्कूल से भी लेकर आके आ गई थी, मतलब रक्षित को। और मतलब मैं दोपहर के लिए मैं बच्चों के लिए चावल बना रही थी, मटर वटर डाल करके, क्योंकि मुझे है ना जल्दी जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि मुझे ना रुद्र को लेकर के जाना था उसका पैर दिखाने के लिए, क्योंकि आप पैर में उसकी मैं गांठ सी हो रही है, तो उसकी है ना डेली पट्टी होती है, हर मतलब रोज़ होती है, तो वही मुझे उसे लेकर के जाना था। और मैं इधर बच्चों के लिए चावल भी बना गई थी, मम्मी को बोल गई थी मैंने कि मम्मी अगर एक दो इसमें सीटी आ जाती हैं तो आप इसे बंद कर देना, और अक्षित को और गोलू को डाल करके दे देना, बस इतना कर देना, क्योंकि बच्चे फिर मैं मुझे टाइम लग जाता क्योंकि डॉक्टर की दुकान दूर है इस वजह से, और फिर बच्चे भूखे रहते, इसलिए मैंने मम्मी को ही बोल करके गई थी। तो बच्चों के लिए मैं चावल बना करके चली गई थी, मटर वगैरह सब कुछ डाल करके चावल बना दिए थे। और यहीं मैं रुद्र को जा रही थी दिखाने के लिए, क्योंकि पैर में जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि पैर में गांठ है, तो दिखाने के लिए गई थी। और इधर से हमने रिक्शा कर लिया था, मैं रुद्र से चले गई थी, हॉस्पिटल दूर था इस वजह से। और हॉस्पिटल में मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पर था। मैं जब रक्षित को दिखाने के लिए जाती थी, रक्षित की तबीयत ख़राब थी, मतलब फीवर वगैरह आ जाता था, और जहाँ पर मैं उसे दवाई वगैरह दिलाने के लिए जाती थी, ठीक जस्ट उसके थोड़ा आगे ही था हॉस्पिटल, तो मैं वहाँ से गई थी रक्षित को, सॉरी रुद्र को दवाई दिलाने के लिए। पूरा फेस कवर करके गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूल मिट्टी भी। शाम का टाइम है और मैंने बनाए हैं दाल चावल। गर्मी लग रही थी और सर में भी दर्द हो रहा था क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मम्मी देखो कितने सारे पैन हैं गोलू के पास। फाउंटेन, दूसरा फाउंटेन। कितने सारे रख रखे हैं मैंने? बहुत है, जेल वाल सब है सब। और मैंने जैसे कि बताया दाल चावल बनाने रख दिए हैं, मतलब चावल बन गए हैं, थोड़ा दाल में एक सीटी लगानी है, तड़का वगैरह लगा दूंगी उसके बाद में। और मम्मी आज दवाई लेकर के आ गई हैं, पहले से मम्मी को आराम है, मतलब दवाई खाती हैं जब तक मुझे आराम लगता है मम्मी का, पर मम्मी को देखने से लग नहीं रहा है कि उन्हें, मतलब जो आराम दवाई खाने के बाद में मिलना चाहिए ना वो नहीं मिल पा रहा है उन्हें, मतलब वो वाली चीज़ नहीं है जो दवाई खाने के बाद में होती है। और देखते हैं अभी 21 दिन की दवाई और दी है मम्मी को, अब देखते हैं कितना आराम मिलता है अभी। और गर्मी बहुत ज़्यादा मुझे तक लग रही थी, गर्मी तो भपका सा, मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था, तो मैंने मुझे नहीं दे उसमें ड्रॉप मिल गए, तो मैंने ना सर पे से पानी डाल दिया था और नहाई थी, मैंने डाल लिया नाइट सूट और बस बैठी हूँ दीपक जला करके। शाम की जो जोत बाती होती है, दिया बाती होती है, वो मैंने जला दिया है, दीपक लगा दिया है और मैं बैठ गई हूँ आराम से। ड्रो आज साफ किया था, कर दिया, कोई बात। रुद्र को भेजा है मैंने, चलते चलते मैं थोड़ा दूध ला करके दे देगा, क्योंकि गोलू कर रहा है अपने स्कूल का काम, इस वजह से रुद्र को भेज दिया दूध लाने के लिए। और रुद्र के पैर में ना गांठ सी हो गई थी, तो आज मैं उसे पट्टी कराने के लिए गई थी, उस दिन भी परसों भी पट्टी करा करके आया था, कल और परसों। पतिदेव अभी आए नहीं है, बस 6:00 बज के
35 मिनट का टाइम हो रहा है, पतिदेव भी आने में है। आज की वीडियो ना इतनी ही बनाई है और ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई हूँ, जैसे कि मैं आपको डेली बोलती हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और जो न्यू है सब्सक्राइब जरूर करें अच्छे से वीडियो के साथ में, मतलब अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ में। और अभी मैंने स्वेटर बनाना स्टार्ट भी करा है, मैंने सिलाई वगैरह सब कुछ निकाल करके रख ली है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, मतलब दिखाऊंगी। मैंने अभी स्वेटर ऊन ले आई हूँ, सिलाई भी ले ली है, निकाल ली है, क्योंकि मेरी बहुत पहले की रखी हुई है। जब मैं स्वेटर बनाती थी बच्चे जब छोटे थे, जब मैंने बनाया था, जब से मैंने उठा करके रख दी थी, वो आज निकली है, तो वो सिलाइयाँ मैंने अब निकाली हैं। और कल फंदे डालूंगी तो उसका भी वीडियो, मेरा जो दूसरा चैनल है ना उषा क्राफ्ट नाम से जो चैनल है, उस पर उसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। उसका लिंक मैं अपने इस वाले चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ से वाला देख सकते हैं कि मैंने फंदे किस तरीके से डाले हैं, क्योंकि बहुत से हैं उन्हें फंदे नहीं आते डालने, तो एक एक करके मैंने जैसे कि आपको बता रखा है कि मुझे दो तरीके से फंदे डालने आते हैं, तो मैं एक एक करके आपको दोनों ही बनाना मतलब फंदे डालना बता दूंगी। तो चलिए बाकी की बातें हम अपने बाद में करेंगे, बस यही बोलूँगी कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट से जरूर कर देना। मिलते हैं अच्छे से सुंदर से ब्लॉग के साथ में, जब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट इसलिए बोला है क्योंकि अब बस शाम हो रही है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, मतलब वही सोने का टाइम हो जाएगा, इसलिए मैंने गुड नाइट बोल दिया है आप सबको।